में स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राष्ट्रीय समाज कल्याण संस्था ने बांटे लिहाफ, हासिल की दुआएं, सिहारा। बढ़ती सर्दी और उससे होने वाली संस्था राष्ट्रीय समाज कल्याण संस्था ने आज MQ इंटर कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को लिहाफ वितरित किए। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि के रूप में ICO महावीर सिंह रजावत ने कहा कि इस सर्द रातों में किसी मजबूर की परेशानी को समझने का जो काम राष्ट्रीय समाज कल्याण और उससे जुड़े लोगों ने किया है वो काबिले तारीफ है। वही हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी डॉक्टर NP सिंह ने इस नेक की काम की सराहना की। इस मौके पर मुख्य अतिथियों ने कई पत्रकारों को इस मौके पर चौफहीम उर रहमान, चौजकी उर रहमान, नजाकत बिपिन शर्मा, मोहम्मद खुर्शीद, शैलेंद्र कुमार, मोहम्मद फहीम, राजकमल, राजपाल सिंह प्रजापति एंड शमशाद सेफी, जमील अहमद, यूसुफ अहमद, डॉक्टर इस्तियाक, महेंद्र शर्मा, इकरामुद्दीन आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में संस्था के अध्यक्ष रिफाकत चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। और ये 2000 से कार्य कर रही है सिवारा का, जिसमें सभी सिवारे के सम्मानित लोग इसमें हमेशा सहयोग करते रहते हैं। और हमारे जो संस्था के लोग हैं, जो जुड़ाव है, जिन लोगों जो मेंबर हैं, वो भी इसमें सहयोग करते हैं। और हमारे फहीमुर रहमान साहब हैं, ये इसमें बड़ी तादाद में सहयोग करते हैं और पूरी तरह से हमदर्दी करते हैं। ये कार्य जो है 2000 से चल रहा है और बराबर कर रहे हैं, और आगे को अगर हिम्मत हुई, कोशिश दी, लोगों ने हमदर्दी कर रखी है, तो प्रोग्राम जारी रहेगा। सुपात्र है, और जब ये इस रजाई का उपयोग करेंगे तो इनके दिल से जो दुआएं निकलेंगी और जिस जिस बंदे का उसमें सहयोग रहा है, धनराशि जिस जिसकी लगी है, तो उसको सीधे वो उसका जो दुआएं हैं वो उसके लिए जाएंगी। ये मैंने अपनी जिंदगी में बिल्कुल अजमाई हुई बात है कि अगर किसी को मन से कोई दुआ देता है या बद दुआ देता है तो वो लगती है।